हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय विशेषण के भेद। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले आपने विशेषण के बारे में पढ़ा था और इस सप्ताह हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। आज हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से भेद होते हैं? 4। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। दिए गए वाक्यों में विशेषण छाटिए। पहला वाक्य, आम मीठे हैं, तो यहाँ मीठा होना आम का गुण है, तो मीठा विशेषण है। दूसरा, सीमा की ओढ़नी सुंदर है, सुंदर विशेषण है। तीसरा, राम के पास मोटा धनुष बाण है, तो यहाँ मोटा लिखेंगे क्योंकि मोटा विशेषण है। चौथा, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो फूल खिले हैं कैसे? रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, आकाश का रंग नीला है, निशा बहुत बातूनी है, सोहन के पास एक बड़ा गिलास है। नीला रंग बहुत बातूनी गुण दोष बड़ा आकार का बोध करा रहे हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा भी कि नीला रंग बहुत बातूनी और बड़ा, तो नीला क्या है? रंग, और बहुत बातूनी गुण दोष और बड़ा आकार का बोध करा रहे हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम पदों के रंग रूप गुण दोष तथा आकार प्रकार का बोध कराने वाले विशेषण पद गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण गुणवाचक शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। पहला वाक्य, मुझे नमकीन चावल पसंद है, तो यहाँ नमकीन पर गोला लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, राम ईमानदार लड़का है, राम कैसा लड़का है? ईमानदार, तो ईमानदार पर गोला लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण है। तीसरा, समुद्र का पानी खारा होता है, कैसा होता है समुद्र का पानी? खारा, तो यहाँ खारा पर गोला लगाएंगे। चौथा, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, कुत्ता कैसा जानवर होता है? वफादार, तो यहाँ वफादार पर गोला लगाएंगे, विशेषण है। पांचवा, अमन उत्तरी दिल्ली में रहता है, तो यहाँ उत्तरी पर गोला लगाएंगे। अमन दिल्ली में कहाँ रहता है? उत्तरी, उत्तरी दिल्ली में, तो उत्तरी पर गोला लगाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।